अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ चिकन ब्रेड रोल रेसिपी। आइए देखते हैं इसे बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले हम यहाँ पर बोनलेस चिकन को बॉईल करने के लिए रख देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। अब चिकन अच्छे से बॉईल हो गया, इसे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर अब चिकन अच्छे से गल गया है। हम यहाँ पर चिकन को मिक्सर ग्राइंडर में धुरधुरा पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने चिकन को कितना धुरधुरा पीसा है। इसी तरह से आपको ग्राइंड कर लेना है चिकन सारा। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मेयोनीज। ये मेयोनीज आपको हर शॉप पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2-3 मेयोनीज की चम्मच, 3 चम्मच मेयोनीज इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा। मैं यहाँ पर ली हूँ ब्रेड पीसेस, इसे हम साइड के पीसेस कट कर लेंगे। 4 साइड्स के पीसेस हमें कट करके रख लेने हैं। ऐसे ही 4 साइड के पीसेस कट कर लीजिए। इसी तरह से आप सारे ब्रेड पीसेस, आपको जितने ब्रेड रोल चाहिए उसके हिसाब से आप ब्रेड के पीसेस कट करके रख लीजिए। और ये साइड के जो पीसेस है इसे हम एक ग्राइंडर जार में मिक्स कर लेंगे। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। ब्रेड के पीसेस को मैं ग्राइंड करने के बाद इसे बारीक हो गया, इसे हम एक साइड में हटा लेंगे। अभी हम यहाँ पर ब्रेड को रोलिंग कर लेंगे एक रोलिंग की मदद से। इसको इसी तरह से रोल कर लेना है ताकि ये नरम हो जाए। इसके अंदर रोल करने में हमको आसानी हो जाए ब्रेड रोल बनाने में। इसी तरह से आप सारे इसे रोलिंग करके रख लीजिए। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर एक प्लेट में एक अंडा ली हूँ और इसे हम छिल लेने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर ब्रेड रोल बनाने की सारी चीज़ें सब रेडी कर ली हैं, देख सकते हैं हम। अब इसे हम स्टार्ट करेंगे बनाना। हम यहाँ पर एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड का पीस लेके इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। इसमें मिडिल जगह अच्छे से फिल कर लेंगे, मिडिल प्लेस पे, और इसके एक तरफ से रोल करने के बाद सेकेंड जगह से फिर हम रोल कर लेंगे। दूसरे भी आप इसी तरह से रेडी करके रख लीजिए। अब नेक्स्ट हम जो रोल करके रखे थे चिकन बीच में मिडिल में हल्के, इसके अंदर हम एग में ऐड करेंगे, थोड़ा सा डिप करेंगे। इसको अच्छे से डिप कर लेंगे। इसको हम ब्रेड में ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से फिल कर लेंगे नीचे ऊपर सारे, ताकि जब हम फ्राई करें तो इसका क्रिस्पीपन इसी से आता है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड रोल। इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हम इसे टर्न कर लेंगे दूसरी तरफ फ्राई होने के लिए। चिकन ब्रेड रोल अब ये फ्राई हो गया, इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब बाकी के जो सारे ब्रेड रोल है इसी तरह से आप फ्राई करके सर्व कर लीजिए एक प्लेट में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।